आओ भाई चलते हैं देख कुमार के उनकी तरफ सुनने तो राम राम साहब राम 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 इधर काम काम धंधा भी जगी कर काम धंधा में ठीक ही दे नी तरी में नी मरी में रह गई बड़ा का दिवाली का ए दिवाली लाल टेनो अरे यो लैम लैम हां आज बड़ा बस दे सब आस कितना टाइम लाग जावे नी में ए बना तो टाइम ही लागे पका तो टाइम घणो लागे दादा पका तो खर्चो भी आवे यो पहली आ तो 1500 रुपया टैक्सी हमें 2000 रुपया लागे 500 दे बद गया तो भाई महंगे बढ़ रही है आप सुन सकते हैं मार्केट में तबके है को ना में बंद कर दिया भीड़ बड़ा को मोदी जी जाने पर उठे जाई से को नहीं आई है बिके को नहीं सही बात है मेला भी जा है बंद कर दिया भारत हाल है ना पोसा ही जाने दिया नहीं रह दिया बंदे भी को आइटम भी जा बिके को दिया भी जा पसंद कितना मतलब क्या रेट में पड़ जावे दिया मैं रुपये दियो बेचता था वाठ ना माथा आ गया बना हुआ घना उठाउनिया कम है तो लाइटो भी जी लोग लगा हुए तो हमें दिया तो कम कर दिया लोगों लगाना तो आज तो मोरे घाटो गयो अच्छा लाइट वाला नहीं लगा हुआ तो दिया हैंग लगा हुआ तो हमें मोरा यही मकसद है कि मोए वीडियो बनाओ है हां कि मो लोगों ना हैंग जागरूक करो हां तो भाई लाइटो भी जी मत लगाओ ए मोदी जी एक दिन दिया लगाया जो हद लगाओ नहीं तो हमारे घणी दिक्कत तो भाइयों आप सुन सकते हैं लाइट चाइनीज इनके कारण इनके व्यवसाय बंद हो रहा है इनकी इनकम सोर्स बंद हो रही है उसके बाद अभी देश में थोड़े दिन पहले लॉकडाउन आया था उसकी वजह से बेरोजगारी छा रखी है इनके पैसे की कोई सोर्स नहीं है तो ये अभी बेरोजगार हो रखे हैं आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इनके लिए इनकम के लिए आप सभी इनसे दिवाली मनाएं और इनके लिए यहाँ से इनसे खरीदे सब कुछ मेला चालू करो मेला चालू कर मोरी इनकम हो कुछ नहीं है गवर्नमेंट मेला एक दिए ना बना वास्ते पकाण वास्ते हैंग कर कर मतलब कितना टाइम लग जाए दिए ना ये ना लैंप ना दिए ना कम कम एक महीनो लागे ने भट्टी पके हां एक महीने डालो भट्टी को पके ने भट्टी भी जी है पण जो सब भट्टी कटे भट्टी दा हम पड़ी भट्टी जो लगाना पा खाली खाली है भट्टी तो हां एला कोन पक्की फोटो एहे हाथ बड़ाओ क्यों ए तो सब हाथ उड़ाई है पहल के दियो दियो रे सीजन बीजो कितो केड़ो रहयो पहल के तो हगड़ उठायो तो हमके मंदी जे अंके लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन लाइट आने की वजह से अपने दिए बिकने बंद हो गए क्यों बंद हो गए सीन रो तो वाली उड़ी भलो है सीन आरो सैना सैना करे लावन ओला बबुल हम उबुल साइड रे बबुल पिछले मुकाबले में इस बार आपके दिए बिकने बंद हो गए कम हो गए जो चाइनीज लाइट आगे उसकी वजह से आपकी अच्छा अगली बार दिवाली खूब अच्छी रही इस बार कुछ इस बार सारा दिवाली का मतलब कि बना दिया दिए वगैरह सब दिए थोड़े बहुत बना दिए वो मार्केट का भेज दिए अगर हमारे यहाँ के लोग अगर लाइटें जो लाइटें मार्केट में बिक रही है जो सेल हो रही है अगर वो बिकना बंद हो जाए तो आपकी क्या रहेगा तो हमारा दीपक खूब बिकेगा खूब बिकेगा हाँ बिल्कुल आप क्या कहना चाहोगे आप कुछ अपने तरफ से कुछ कहना चाहोगे सबको हम अपने तरफ से ये भी दीपक जलाओ खुशियां बनाओ और कोरोना भगाओ मोदी सब खुशियां ही खुशियां है मोदी जी ने एक दिन दीपक जलाया कोरोना के बारे में तो यही हमारा तो कहना है आपका कहना यही है कि भाई मोदी जी ने एक दिन का कहा था और जलाओ और जलाओ खूब जलाओ मोदी जी के सपोर्ट में आप राम के घर आने की खुशी में आप सभी दीपक जलाकर खुशियां मनाए चाइनीज लाइटों का बहिष्कार करें चाइनीज लाइटें सिर्फ चाइना को पैसा देती है देश को नहीं देश को पैसा देने के लिए इनकी मदद करने के लिए आपको अपने लोकल मार्केट से या पास अपने पड़ोसी कुमार से ये सब सामान लेने हैं सही है और ज़्यादा से ज़्यादा मेला स्टार्ट करो मेला जैसा कि अभी आपको बताया गया कि विदेशी लाइटों के इस्तेमाल चाइनीज लाइटों के इस्तेमाल के कारण कुमार भाइयों की इनकम नहीं हो रही है इनका इनकम कोई सोर्स नहीं है इनकी सिर्फ भट्टी इस भट्टी के ऊपर ही मात्र इनके इनकम चलती है और इस के ऊपर भी लोग चाइनीज लाइट्स लेकर इनकी इनकम नहीं करवा रहे हैं इससे इनके भी घाटा है प्लस अपन जो पैसा है वो विदेशों में भेज के सामने से वो हमारे ऊपर ही आक्रमण कर रहे हैं तो दोनों तरफ से घाटा तो हम ही ले रहे हैं
इसलिए आप सभी से अनुरोध है चाइनीज लाइटों का उपयोग न करें, इनकी मदद करें ताकि दो रुपये इन घर में आएंगे तो उनकी भी खुशियाँ बढ़ेगी। ये देख सकते हैं आप भट्टी पीछे कितनी कड़ी धूप के अंदर ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप सबसे एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि सब कुमार भाई जो अपने गांव के हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, जो एक दिया बना रहे हैं, दिया जो भगवान श्री राम के टाइम से चलता आ रहा है, और अपन लाइटें लगा करके 100 रुपये की लाइट लगा करके अपन इनकी दिवाली खराब कर देते हैं। तो आप सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की लाइट ना लेकर के 100 रुपये के आप दिए लें, जिस जगह दिए नहीं जगते वहाँ पे भी आप दिए लगाएं और हम कुमार भाइयों की दिवाली खुशहाल बनाएं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के यस यही प्रार्थना करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए लें और सबकी मदद करें। जैसा कि हमारे पंकज भाई साहब ने और सूर्य भाई साहब ने आपको सब कुछ बता दिया है, मेरी ओर से भी आपको यही निवेदन रहेगा मेरे बुजुर्ग माता पिता और भाइयों और बहनों को, मेरा यही निवेदन रहेगा, हम बल्कि हम तीनों का यही निवेदन रहेगा कि जो चाइना के प्रोडक्ट जो लाइटें रंग बिरंगी जो लाइटें बन के आती है वो यूज़ उनका यूज़ ना करके हमारे जो ये दिए लगते हैं जो हमारी पारंपरिक पहले लोकल दिए लगाए जाते थे घरों में, जब भी दिवाली का पर्व उत्सव मनाया जाता था तब हम दिए लगाए जाते थे, लेकिन आज की जो ये रंग बिरंगी लाइटें हैं ये हमें प्रभावित करती है और लोग इन लाइटों को अपने घर में लगाते हैं। लेकिन हमारा निवेदन रहेगा कि इन लाइटों का इनका उपयोग ना करके अपने जो पारिवारिक जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं दिए वही दिए ही लगाने पारंपरिक दिए तो उनका यूज करें। धन्यवाद, इससे हमारी संस्कृति भी परंपरागत रूप से सुरक्षित रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार।